अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूरे सहर के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान अलामा मोहम्मद काशिफ़ मदनी। नाज़रीन, जिस तरह हम रोज़ के मरा पर हमारे प्रोग्राम होते हैं और आपने देखा हमारे पास मेहमान तशरीफ़ लाते हैं और उनसे हम दीन के हवाले से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हम सुनते हैं। आज भी हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले मैं आपका तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ जो नात खान तशरीफ़ फरमाएँ, मोहम्मद जवाद कुरैशी कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खूबसूरत नात पढ़ने वाले जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़वी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। अल्लाह करीम आपको दारे इनकी साथ दे नसीब फरमाए। नाज़रीन, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आगे प्रोग्राम में चलकर हम आज के मौजू को भी डिस्कस करेंगे, जो एक अहम तरीन मौजू मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़वी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हकी अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का दुरूद तुझे पे पड़े और खुद सवर जाए। दुरूद तुझे पे पड़े और खुद सवर जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ, जो शबे गम में शहीदी को सदा देते हैं, जो शबे गम में शहीदी को सदा देते हैं, उनकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, उनकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जो शबे गम में शहीदी को सदा देते हैं, और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, उनकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। और पूछते हो के वो आका हमें क्या देते हैं, पूछते हो के वो आका
हमें क्या देते हैं, पूछते हो कि वो आका हमें क्या देते हैं। क्या ये कम है, क्या ये कम है कि वो बंदों को दुआ देते हैं। क्या ये कम है कि वो बंदों को दुआ देते हैं। उनकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जो शबे गम में शहीदी को सदा देते हैं। उनकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जो शबे गम में शहीदी को सदा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदह शाही फरमा रहे थे। मैं अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ूँगा, जनाब मोहम्मद जवाद कुरैशी कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीया अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की न किता यार ने एक यार वास्ते, की न किता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिलां सजायानी सरकार वास्ते। अल्लाह हुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। कईयां रोज़ होंदे ने दीदार आप दे, कईयां रोज़ होंदे ने दीदार आप दे, और कई तड़पदे रहंदे ने दीदार वास्ते। अल्लाह हुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह हुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। सदका नबी दी आल दा बखी खुदा शिफा, सदका नबी दी आल दा बखी खुदा शिफा। मंगो दुआवां मेरे जे बीमार वास्ते। अल्लाह हुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह हुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाह हुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदही सराही फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद जवाद कुरैशी कादरी साहब। नाज़रीन, आज का जो मैं मौजू ज़ेर बहस लेकर हाज़िर हूँ वो सूरतुल फातिहा की फजीलत के एतबार से है। सूरतुल फातिहा को अल्लाह करीम ने कुरान करीम के इब्तिदा में रखा और इसकी बड़ी बरकतें और बड़ी फजीलतें हैं।
जिस इस सूरत पाक को सूरह शिफा भी कहा जाता है, इसलिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है, हर बीमारी की शिफा रखी है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस सूरत पाक को किसी भी मर्ज पर और किसी भी मरीज़ पर पढ़ कर दम कर दिया जाए या उसके सामने इसकी तिलावत की जाए या मरीज़ ख़ुद तिलावत करे इस नीयत के साथ कि मुझे शिफा मुयसर आ जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह करीम इस सूरत की बरकत से उसे शिफा अता फरमा देगा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह करीम ने इस सूरत के दो ऐसे रखे, एक हिस्सा अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को अता किया है और दूसरा हिस्सा मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने अता किया है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, फरमाया, लोगों कसम है मुझे तौरात, ज़बूर और इंजील की, और कसम है मुझे उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। फरमाया अल्लाह ताला ने तौरात के अंदर भी, ज़बूर के अंदर भी और इंजील के अंदर भी और आया के कुरान मजीद के अंदर भी इस सूरत की मिसल कोई और सूरत नाजिल ही नहीं की। ये इतनी अजमत वाली और मकाम वाली और वक़ार वाली सूरत है और बड़ी आम सी है और आसान सी है, हर बंदा मोमिन इसका विर्द कर सकता है। बल्कि यहाँ पर एक और बात बड़ी ख़ास मैं कहना चाह रहा हूँ, अक्सर मेरी माएँ बहनें और दोस्त अहबाब परेशान होते हैं कि उनके ऊपर जादू टूना हो गया, उनके ऊपर जनाब कोई मसाइब का सामना है, कोई रिज़क की तंगी का शिकार है, कोई जनाब सेहत के अतबार से परेशान है, कोई तरह तरह के मसाइल हैं। अगर कोई बंदा सच्ची नीयत के साथ सारे मसाइल जो भी उसको मसला है, अब मैं गिनूँ तो वक्त इतना नहीं दरकार कि मैं सारे मसाइल को गिन सकूँ, अगर उसको कोई भी मसला है, किसी भी परेशानी में मुबतला है, जादू टूने का मसला है, नज़र बद का मसला है, बीमारी है, दर्द है जिस्म में और तरह तरह की कोई भी मसला है और रिज़क की कमी है अगर, तो इस सूरत पाक का विर्द करना शुरू कर दे, इस सूरत पाक को तिलावत करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला जुमला अमराज से, जुमला मुसीबतों से उसे निजात अता कर देगा और जुमला बीमारियों से अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देगा। और एक रवायत के अंदर मैंने पढ़ा कि जब बंदा मोमिन इस सूरत को तिलावत करता है उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे से ख़ुद मुखातिब होता है, और एक रवायत के अंदर आता है अल्लाह ताला फरिश्तों से मुखातिब होता है, और एक रवायत के अंदर आता है कि बंदा जब सूरतुल फातिहा की तिलावत कर रहा होता है रब उस वक्त खुद बंदे से मुखातिब होता है। जब बंदा कह रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब उसकी तारीफ और हम्द बयान कर रहा होता है, फरमाया रब खुद मुखातिब होकर खुशी का इजहार कर रहा होता है। और यकीनन बा यकीनन बाज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिस की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़रे रहमत कर दे या जिस पर रब खुश हो जाए, जिस बंदे के अमल फ़ैल कौल पर रब खुश हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुशी की बरकत से उसके गुनाह मुआफ़ कर देता है, उसको अपने कुर्बत याफ्ता बंदों में शामिल कर लेता है। मैं इन्हीं खुशगवार लम्हात में मैं जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़वी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप एक दफ़ा फिर सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह,
तड़पता है मेरा दिल और तरसते हैं बहुत आँखें, तड़पता है मेरा दिल और तरसती हैं बहुत आँखें। बुला लो फिर मदीने में खुदा रा या रसूल अल्लाह, बुला लो फिर मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अब मदीने में खुदा रा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। फकत आमाल लेके बदले न जाएगा कोई जन्नत, फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, न होगा आप का जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, न होगा आप का जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना, दमे आखिर ज़रा मुश्ताक पर इतना करम करना के उसके लब पर हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, के उसके लब पर हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्हीं खुशगवार और पुरमोहब्बत लम्हों में मैं आगे बढूंगा और अपने दूसरे मेहमान की जानब मोहम्मद जवाद कुरैशी कादरी साहब की जानब आप भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करें। बिस्मिल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्द
दादी दवा देना जदू वक्त नजा आवे दामंदी हवा देना जदू वक्त नजा आवे दामंदी हवा देना आका तेरी महफिल विच असी जोलियां बिछा बैठे आका तेरी महफिल विच असी जोलियां बिछा बैठे लज रख लई ए लज पाला लज रख लई ए लज पाला खाली ना उठा देना लज रख लई ए लज पाला खाली ना उठा देना ओ दिल रोंदा ए जांदे ने जदू लोगी मदीने नू दिल रोंदा ए जांदे ने जदू लोगी मदीने नू हुण सानू विया कादा दरबार दिखा देना हुण सानू विया कादा दरबार दिखा देना। और आखिरी शेर साइम चिश्ती साहब क्या फरमाते हैं कि साइम दी तमन्ना ए रहवे जाके मदीने विच साइम दी तमन्ना ए रहवे जाके मदीने विच पावे तैबा दे कुत्तियां दे पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर अली सलात वसलाम की नात पेश फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद जवाद कुरैशी कादरी साहब। अल्लाह करीम आप दोनों मेहमानों का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोग तशरीफ़ लाए अपने गुनागुज़ मुसरफियात से वक्त निकाला। अल्लाह करीम आपको दारेन की साथ नसीब फरमाए। नाज़रीन इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ नए मेहमानों के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।